नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे कोरोना अपडेट के बारे में। साल 2021 के जाने में अब मात्र कुछ ही दिन बचे हैं और 2022 की तैयारियां लोग अभी से शुरू कर दिए हैं। इधर कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भी देश के साथ बिहार में भी गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। बता दें कि प्रदेश में फिलहाल डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि प्रदेश में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में तीसरी लहर की बात कह दी है। अगर हम प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या की बात करें तो बिहार में 5 महीने के बाद गुरुवार को 77 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसमें सबसे अधिक 29 मरीज गया से मिले हैं, जबकि राजधानी पटना में 26 संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। अगर हम बात बुधवार की कर लें तो प्रदेश में 47 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई थी। अगर हम स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों को देखें तो पिछले 3 दिनों में बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में 3 गुना इजाफा देखने को मिला है। आपको बता दें कि बिहार में 154 दिन के बाद एक दिन में इतने संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। इससे पहले 25 जुलाई को प्रदेश में 81 संक्रमित मरीजों की पहचान हुई थी। अगर हम गुरुवार के आंकड़ों को ध्यान दें तो बांका, औरंगाबाद, दरभंगा, किशनगंज, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली तथा पश्चिम चंपारण जिले में एक एक नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई, जबकि मुजफ्फरपुर व सुपौल में 2-2 नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। नालंदा व समस्तीपुर में 3-3 नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई, तो वहीं जहानाबाद में 4 और सबसे ज़्यादा गया में 29 संक्रमित मरीजों की पहचान हुई, तो वहीं राजधानी पटना में 26 संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। वहीं दूसरे राज्य से बिहार आए 1 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। अगर हम बिहार सरकार के कोरोना जांच के आंकड़ों को देखें तो 28 दिसंबर के आंकड़े 29 दिसंबर की रात को प्रकाशित किया गया था, जिसमें 1,69,661 सैंपल की जांच की गई और संक्रमण की दर जो है बढ़कर 0.04% हो गई है। अगर हम ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो इस दौरान 17 मरीज ठीक होकर घर गए हैं। ऐसे में रिकवरी दर जो है 98.31% है। इस दौरान किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज की जो है मौत नहीं हुई है। बिहार में फिलहाल संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वह 215 पहुंच गई है। 3 दिन पहले यह आंकड़ा जो है 98 था, लेकिन जिस तरह से संक्रमित मरीजों की पहचान हो रही है यह आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है। राजधानी पटना में संक्रमित मरीजों की संख्या 100 के पार है, तो इसके बाद गया में 46, मुंगेर में 19 संक्रमित मरीज अभी भी जो है सक्रिय है। बिहारी न्यूज आपसे निवेदन करता है, आग्रह करता है कि ऐसे में हमें जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के मंत्र को पालन करना होगा। घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं, जरूरत हो तो घर से बाहर निकले वैक्सीन के दोनों डोज जो है आप जरूर लगवा लें। तो एक तरह से कह लें कि बिहार में जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले तो नहीं है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के मामले में जो है वह वृद्धि हुई है। अगर हम पूरे देश की बात कर लें तो ओमिक्रॉन के मामलों में जो है ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो है तीसरी लहर की बात जो है अब कही जाने लगी है। केंद्रीय टीम ने भी जो है बिहार का दौरा किया है, तो ऐसे में अब जो है यह देखा जा रहा है कि तीसरी लहर जो है बिहार में भी दस्तक दे दी है। सीएम नीतीश कुमार ने भी इसको इस ओर जो है अपनी बात कही है। ऐसे में हमें और भी सतर्क होने की ज़रूरत है। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।